बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मिसबा। आज हमारे किचन में बनने जा रही है चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई कैसे बनाई जाती है, आए मेरे साथ देखते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे, फ्लेम करेंगे ऑन। और इसमें मैं डालूंगी हाफ कप के करीब ऑयल। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चिकन बनाना हो। मैं 1 kg बना रही हूँ तो उसी हिसाब से इसके अंदर तेल ऐड करें। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं 3 tablespoons डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। एक से दो मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए अदरक लहसुन को। अब मैं इसके अंदर 1 medium size की प्याज ऐड करूँगी। कुछ लोग वाइट कढ़ाई में प्याज ऐड करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए तो मैं 1 medium size की प्याज ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें दही और क्रीम चाहती है तो उसकी इतनी ग्रेवी नहीं होती, तो मुझे थोड़ी सी थिक ग्रेवी चाहिए तो उसके लिए प्याज ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ली है मैंने 1 kg चिकन ली है, दरमियाने साइज़ की बोटियाँ करवा ली हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसमें मैं 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी, इसका कलर चेंज होने तक। कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से भून चुकी है। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 teaspoon, 1 teaspoon ही पिसा हुआ धनिया है, 1 teaspoon के करीब मेरे पास सफ़ेद मिर्च है, 1 teaspoon के करीब ही काली मिर्च है पिसी हुई। यहाँ पर है मेरे पास चिकन वाइट कढ़ाई मसाला, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 tablespoon मैंने नमक लिया है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसी के साथ मैंने हरी मिर्च ली थी, उसको पीस लिया था, पानी डाला है, तो इसलिए ये है तकरीबन 1 tablespoon के करीब। अब हम इसमें इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दही। दही है मेरे पास 1 प्याली, फिलहाल मैं इतना डालती हूँ क्योंकि ये प्याली कुछ बड़ी है तो मैंने थोड़ा कम डाला है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी अदरक डालूंगी, ये मैंने जूलियन शेप में काटी हुई है, थोड़ी सी ये ऐड करूंगी। और थोड़ा इसके अंदर पानी, चिकन का पानी खुश्क हो चुका था क्योंकि उसको मैंने भून लिया था तो उसका पानी खुश्क हो चुका था। अब कुछ ये दही का पानी है और कुछ इसमें 1 cup के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन गल जाए। इसको तकरीबन हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, कवर करके मीडियम टू लो आंच पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए चिकन वाइट कढ़ाई को, तो कवर उठाते हैं और इसकी पोजीशन देखते हैं क्या है। तो इसमें अभी भी पानी है तो मैंने मुझे ज़्यादा इसमें ग्रेवी चाहिए क्योंकि हमारे घर में ग्रेवी खाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें ग्रेवी भी रखूँगी। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बटर, 1 tablespoon के करीब इसमें बटर जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैं
अदरक डालूंगी, थोड़ा सा पानी पुश करती हूँ, उसके बाद मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी और 1 टीस्पून के करीब इसमें गरम मसाला डालूंगी। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका पानी खुश करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करते हैं। फ्लेम हाई कर देती हूँ क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं बना रही थी। आप देख सकते हैं कि जो इसमें मैंने प्याज डाला था वो बिल्कुल मैश हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो ऐसे ही मुझे प्याज चाहिए था इसमें मेल्ट हुआ हुआ। पानी खुश्क हो चुका है चिकन का और फ्लेम मैंने स्लो कर दिया क्योंकि अब मैं क्रीम ऐड करने लगी हूँ और क्रीम ऐड करते वक्त इसमें पानी इसमें फ्लेम इसका तेज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो क्रीम फट जाती है। तो 200 ml का मैंने लिया है फ्रेश क्रीम का पैकेट, वो इसमें ऐड करूँगी। क्रीम आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो, फिलहाल मैं इतनी कर रही हूँ। मिक्स करते हैं फिर देखते हैं। दो से तीन हरी मिर्चें मैंने बारीक काटी हैं, वो ऐड कर दूंगी। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके दम पर रखूंगी ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। फिर इसको डिश आउट करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे लगाए हुए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चिल्ली मैंने बारीक काट ली है और कुछ साबुत रखी हैं, थोड़ा सा इसमें अदरक, थोड़ा सा धनिया। व्यूअर्स, आज हमारी चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक दें, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।